हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकेंड मॉड्यूल ऑफ एनिमल किंगडम। पहले मॉड्यूल में हम लोगों ने लेब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखा, जहां पर हम लोगों ने पढ़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और क्या क्या था, बॉडी सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक, है ना। फिर उसमें सिलोमेट, ए सिलोमेट, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड बॉडी सेगमेंटेशन। अभी इसमें मैं आपको एक लिस्ट दूंगा कि कौन कौन सा सिस्टम है किस किस ऑर्गेनिज्म में। ध्यान रखेंगे यहाँ पर, इसमें जो भी मैं आपको लिस्ट दूंगा बहुत सारे आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, एनिमल किंगडम में शायद सब कुछ ना मिले। आप जब डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसके स्टार्टिंग में देगा कि किस किस ऑर्गेनिज्म में कौन कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पर स्टार्टिंग में देगा कि किस किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा है, ठीक है। लेकिन आपको मैं एक जगह सारा कुछ लिस्ट दूंगा एंड रिमेम्बर, आपको ये धीरे धीरे याद होगा, एक साथ आपको अब हो सकता है याद ना हो, है ना। तो डोंट वरी अबाउट दैट, हम लोग आराम से इसको लिखेंगे। सो टॉपिक इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और जहां पर मैं आपको बताने वाला हूँ ऑर्गन्स लिस्ट। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है जो कि पोरीफेरा, टिश्यू लेवल सिलेंटेरेटा एंड टिनोफोरा, ऑर्गन लेवल प्लाटी हेलमिंथेस एंड आगे सारा कुछ ऑर्गन सिस्टम लेवल, ठीक है। ओके, सो क्या क्या बॉडी में फिजियोलॉजी फंक्शन होते हैं जरा सब बेसिक में आपको बता देता हूँ। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए चाहिए एनर्जी, और एनर्जी के लिए चाहिए न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के लिए उसका होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर वो न्यूट्रिशन से एनर्जी निकालेगा, उसके लिए चाहिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर वो सारी चीजों को इधर से उधर घुमाने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम, जो भी बचा कुचा चीज एक्सक्रेट करेगा तो एक्सक्रेटरी सिस्टम, और ये सारे फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए नर्वस सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये सारे बॉडी के सिस्टम है। तो वन बाय वन हम ये सारे सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ये लंबा चौड़ा आपको लिस्ट मिलने वाला है। सो पहला जो सिस्टम है, दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, अगर मैं बात करूं पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा एंड प्लाटी हेलमिंथेस, मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है, होप कि आपको समझ में आ रहा है। पीसीसी, पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा, टीनोफोरा एंड लास्ट पी से प्लाटी हेलमिंथेस, ठीक है। अब इसमें जो प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, सिर्फ इनमें एक सिंगल ओपनिंग होगा बॉडी का, ठीक है, जहां से वो अंदर लेंगे और जहां से बाहर निकालेंगे क्या, न्यूट्रिशन। सो सिंगल ओपनिंग जहां से वो अंदर भी लेंगे और बाहर भी निकालेंगे, तो उस तरह की सिस्टम को बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है जी। बाकी जितने भी बचे एस्केलिमिंथेस से लेकर के कोडाटा तक, ये सारे के सारे जो हैं, इनमें दो ओपनिंग होगा, एक तो खाना अंदर लेने के लिए माउथ और बाहर से निकालने के लिए एनस। तो टू ओपनिंग्स आर प्रेजेंट, माउथ एंड एनस। तो लिखेंगे माउथ एंड एनस, बोथ आर सेपरेटली प्रेजेंट, सेपरेट। और इस तरह की सिस्टम जहां पर दो ओपनिंग है, इसको बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है जी। अब ये जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, दो और चीज मैं आपको बस बता देता हूं। माउथ एंड एनस दो चीज है, तो जब वो जाइगोट से एम्ब्रियो से ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, अगर वहां पर माउथ पहले डेवलप हुआ, तो इसमें अगर आपका वो ऑर्गेनिज्म का माउथ पहले डेवलप हुआ तो इस तरह की डाइजेस्टिव, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को बोलेंगे प्रोटोस्टोम। प्रोटो यानी पहले, स्टोम यानी माउथ, तो प्रोटोस्टोम, है ना। और जहां पर माउथ लेटर डेवलप होगा, लेकिन माउथ से पहले अगर एनस डेवलप होता है, तो एनस अगर पहले डेवलप होगा तो इसको बोलेंगे ड्यूटेरोस्टोम। तो प्रोटोस्टोम यानी माउथ पहले डेवलप, ड्यूटेरोस्टोम यानी एनस पहले डेवलप, ये आपको याद रखना है। सो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पीसीसीपी, पोरीफेरा, सिलेंटेरेटा, टिनोफोरा, प्लाटी हेलमिंथेस। अब यहां पर जो, चलो एक एक्स्ट्रा पॉइंट और मैं आपको बता देता हूं, जो पोरीफेरा है यहां पर डाइजेस्टन सेलुल के अंदर होगा सारा कुछ, तो इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर। क्या बोलेंगे? इंट्रासेलुलर। प्लाटी हेलमिंथेस की बात करें तो यहां पर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, बट दिस इज एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर
पोरीफेरा में और प्लाटीहेलमिंथेस में एक्स्ट्रा सेलुलर, बाकी बचा सी एंड सी, टीनोफोरा एंड सिलेंटेरेटा, ये दोनों में बोथ इंट्रा सेलुलर भी है एंड एक्स्ट्रा सेलुलर भी है। बोलो शॉर्ट फॉर्म समझ में आ रहा है, आईसी प्लस ईसी, इंट्रा सेलुलर भी है एक्स्ट्रा सेलुलर भी है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि टीनोफोरा एंड सिलेंटेरेटा दोनों में इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोथ देखा जाता है। तो फर्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, सेकेंडली हम बात करेंगे अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम ओके। अब जब मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करता हूं तो पहले पी सी सी पी, बोलो पी सी सी पी में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम तो नहीं है, तो यहां पर रेस्पिरेशन के लिए कोई पर्टिकुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, तो यहां पर रेस्पिरेशन सिर्फ उनकी बॉडी सरफेस से होगा। तो रिमेंबर रेस्पिरेशन इज थ्रू बॉडी सरफेस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं दिस इज अ थ्रू ए जेनरल बॉडी सरफेस, जीबीएस, जेनरल बॉडी सरफेस, है ना, जनरल बॉडी सरफेस, पीसीसीपी, जनरल बॉडी सरफेस। बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी फाइलम हैं, उनमें कुछ स्पेशल रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा। जैसे हमारे अंदर लंग्स है, लंग्स के अंदर अल्वियोली है, तो हम बहुत ज्यादा डेवलप्ड हैं क्योंकि हमारे अंदर लंग्स, लंग्स के अंदर अल्वियोली, तो वी हैव ए गुड डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। बाकी फाइलम्स का क्या, आस्कलिमिंथस से लेकर के कोरेट तक, तो जरा सा मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, और एक चीज आप यहां पर ऐड करेंगे सर, रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर बात करें, ये एनेलिडा से स्टार्ट होता है, आस्केलिमिन्थेस, आस्केलिमिन्थेस में भी जनरल बॉडी सरफेस होता है। आपको मैं पहले पीसीसीपी बताया, फिर आस्केलिमिन्थेस बताया, ये मैंने जानबूझकर बताया क्योंकि पीसीसीपी तो सिंपल आपको याद होगा, बट रिमेंबर आस्केलिमिन्थेस में दूसरे ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है, बट रेस्पिरेटरी सिस्टम वो सिंपली बॉडी सरफेस से लेती है ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज, ठीक है जी। अभी और रेस्पिरेटरी सिस्टम एनेलिडा में क्या है, रिमेम्बर एनेलिडा यानी आर्थवार्म की अगर बात करें, तो आर्थवार्म में आप लोगों ने देखा होगा आर्थवार्म का जो स्किन है ना वो मॉइस्ट होता है, और उस चीज को बोलते हैं मॉइस्ट क्यूटिकल। तो एनेलिडा या आर्थवार्म में कैसे होता है, थ्रू मॉइस्ट क्यूटिकल, एंड दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, इसको करेंगे स्टार मार्क, एनेलिडा या आर्थवार्म में मॉइस्ट क्यूटिकल। उसके बाद अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इज अबाउट आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा का फाइलम का कुछ क्लास है, तो उसमें से मैं तीन इंपॉर्टेंट आपको मैं बताऊंगा। पहला है कॉकरोच, कॉकरोच और कॉकरोच बिलोंग्स टू कॉकरोच इज एन इंसेक्ट, सबको पता है। सो पहला है इंसेक्ट, इंसेक्टा, इंसेक्ट का एग्जांपल बताओ बच्चों, कॉकरोच, ठीक है। सेकंड में आपको बता रहा हूं, नेक्स्ट इज आराकिनेडा, आराकिनेडा, आराकिनेडा जैसे आपका स्कॉर्पियन, ठीक है, इसका एग्जाम्पल है स्कॉर्पियन। और लास्ट में आएगा आपका क्रस्टासियन, क्रस्टासियन जैसे आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट जाते हैं, बोलते हैं प्रॉन खाएंगे, प्रॉन कहाँ पे मिलता है, पानी पे मिलता है, बट रिमेम्बर प्रॉन मिलता तो पानी में है, बट इट इज एन आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, और आर्थ्रोपोडा आपका एयर में रहता है, लैंड में रहता है, और पानी में भी रह सकता है। तो कुछ कुछ जो है आपका एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स भी हैं। तो क्रस्टासियन का एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, क्रैब, क्रैब, ठीक है, क्रैब, कॉन्कोडा बोलते हैं उड़िया में, है ना, ओके। सो इंसेक्टा, आराकिनिडा एंड क्रस्टासियन। इंसेक्टा में, इंसेक्टा में यहाँ पर ट्राकिया तो नहीं होता, इसमें ट्राकिया जैसा कुछ होता है जिसको बोलते हैं ट्राकिया जैसा ट्यूब, कॉल्ड एज ट्राकियल ट्यूब। अराकिनिडा एंड क्रस्टासियन दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, एक में बुक लंग है, एक में बुक गिल्स है, तो एक में बुक लंग है, एक में बुक गिल्स है, बुक। अब मुझे बताओ दोनों में से गिल्स किस में होगा, लंग किस में होगा, बच्चों कैसे याद रखेंगे सर, क्राब पानी में रहता है, तो जब पानी में रहेगा तो इसमें गिल्स जैसा कुछ होगा, तो इसीलिए क्राब में जो है प्रेजेंट होता है बुक गिल्स, जबकि अराकिनिडा स्कॉर्पियो ये लैंड में रहता है, इसीलिए इसमें होगा बुक लंग, ठीक है जी, ओके। तो आर्थ्रोपोडा के बारे में हमने डिस्कस करा, आगे देखते हैं आर्थ्रोपोडा के बाद नेक्स्ट इज मोलस्का, मोलस्का फाइलम, मोलस्का फाइलम में आपका स्नेल आता है, स्नेल, ऑक्टोपस, है ना, तो ये सब में क्या प्रेजेंट होता है, इसमें गिल्स जैसा होता है, तो सिंपल उसको गिल्स भी बोलते हैं, या फिर उसको और एक नाम से जानते हैं, दैट इज टेनिडिया, टेनिडिया। तो
तो अगर गिल्स है तो कंफ्यूज मत होना, गिल्स सिर्फ फिश या मछली में नहीं होता, मोलस्का में भी होता है। गिल्स या उसका दूसरा नाम है टेनिडिया, सी साइलेंट रहता है इसको टेनिडिया पढ़ते हैं। नेक्स्ट है इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्माटा में, इकाइनोडर्माटा में एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं डर्माल ब्रांकाई, डर्माल ब्रांकी। तो देखो ये अभी मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं, जब मैं फाइलम पढ़ाऊंगा ना मैं फटाफट उसको पढ़ाऊंगा फटाफट, ठीक है? क्योंकि अभी सारा हम लोग लिस्ट एक जगह लिख रहे हैं, तो वहां पर मैं सिर्फ लिख दूंगा इकाइनोडर्माटा में डर्माल ब्रांकी, बच्चों हमने सेकेंड मॉड्यूल में पढ़ा था, ऐसा बोलूंगा, ठीक है? इसलिए इसको ध्यान से आप देखिए और धीरे धीरे याद रखने की कोशिश कीजिए। और आगे बताने की जरूरत है क्या? आगे जितने भी आपके कोरेट्स हैं, सारे कोरेट्स में, कोरेट्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिश वगैरह में गिल्स होता है और हमारे ह्यूमन में लंग्स अल्वियोली होता है, ठीक है? ओके, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप चाहे तो खुद लिख सकते हैं। सेकेंड वी डिस्कस्ड अबाउट रेस्पिरेटरी, पहले हमने डाइजेस्टिव बात करा। थर्ड में बताऊंगा आपको सर्कुलेशन करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटोरी सिस्टम। तो अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं, हार्ट प्रेजेंट है, ब्लड वेसल भी प्रेजेंट है, लेकिन यहां से जो भी ब्लड है ये ब्लड पूरा क्लोज ब्लड वेसल नहीं है, ये एकदम ओपन हो जाता है। तो ऑर्गन से पहुंचने से पहले वो ब्लड वेसल आधा तक होता है और वहां पर ओपन सर्कुलेशन होता है। लेकिन हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर तो सर हार्ट है, हार्ट से आर्टरी से आता है ऑर्गन तक, और ऑर्गन से फिर वेन के थ्रू जाता है फिर हार्ट में, है ना? तो ये पूरा एकदम क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है ना। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में दैट कैन बी ओपन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बच्चों कंफ्यूज मत होना, कोई अगर आपसे पूछे कि सर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट होता ही नहीं होता, यस होता है। ब्लड वेसल होता नहीं होता, यस ब्लड वेसल भी होता है, लेकिन वो ब्लड वेसल का जो नेटवर्क है वो क्लोज्ड नहीं होता, ठीक है? वो बीच से कहीं कहीं टूटा हुआ है, डिस्कनेक्टेड है, इसीलिए वहां पर स्पिलेज हो जाता है जो भी ब्लड है, ठीक है? इसीलिए इसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रखना अगेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो छोटे छोटे फाइलम है, जो सामने पहले ऊपर से कुछ फाइलम है उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, बट एनेलिडा, एनेलिडा बीच में एक ऐसा फाइलम है जहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम ज्यादा डेवलप होता है, तो रिमेम्बर एनेलिडा में क्लोज्ड होगा। तो एनेलिडा के बाद वाला सर क्या होगा? अरे भैया एनेलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, वहां भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बट एनेलिडा बीच में एक ऐसा फाइलम है जो थोड़ा सा सर्कुलेटरी के मामले में ज्यादा डेवलप हो गया, उसमें क्लोज सर्कुलेटरी है। तो यहाँ पर मैं आपको लिखवा रहा हूँ कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज सीन इन ऊपर वाला सभी एक्सेप्ट एनेलिडा, और साथ में आप यहाँ पर लिख लीजिए आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। बट अगेन रिमेम्बर ये एनसीईआरटी में दिया है, मोलस्का में भी कुछ क्लास है, मोलस्का में एक क्लास होता है बेटा सेफालोपोडा। क्या है? सेफालोपोडा। सर ये क्यों बता रहे हो? अरे भैया एनसीईआरटी में दिया है कि सेफालोपोडा एक मोलस्का का क्लास है जिनमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। तो ऑल मोलस्का है बीइंग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सेप्ट द क्लास सेफालोपोडा, इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो अगर मैं क्लोज्ड का एग्जांपल बोलूं तो क्या है? पहला एनेलिडा, दूसरा मैं बोलूंगा सेफालोपोडा और क्लास ऑफ मोलस्का, एंड बाकी जितने भी बचे आपके कोडेट, कोडाटा है ना, कोडाटा। तो इसमें ब्लड का सर्कुलेशन होगा थ्रू ए क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसमें ब्लड में ऑक्सीजन वगैरह लेने के लिए हमारे अंदर ब्लड में पिगमेंट है, इसीलिए ब्लड रेड दिखता है। बोलो कौन सा पिगमेंट है, कौन सा पिगमेंट है? यस हमारे अंदर सर प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन। क्या प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन। तो सर क्या एनेलिडा एंड सेफालोपोडा में भी कुछ पिगमेंट होता है क्या? यस। और ये चाहे तो आप याद रखें, नहीं याद होता है कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं लिखवाऊंगा आपको, आप नोट्स पे लिख, जरूर से लिख लेना। सेफालोपोडा में हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसमें हीमोसियानिन होता है जो थोड़ा सा ब्लू कलर जैसा दिखता है, ठीक है? तो दिस पिगमेंट इज हीमोसियानिन, तो ब्लू कलर जैसा दिखता है हीमोसियानिन। HAEMO लिखो या सिंपली HEMO लिखो, ब्रिटिश अमेरिकन इंग्लिश में वो स्पेलिंग वेरी करता है। अगर मैं एनेलिडा की बात करूं तो एनेलिडा में जो पिगमेंट है, एनेलिडा में दो तरह का पिगमेंट हो सकता है। पहला है एक रेड कलर का पिगमेंट जिसको बोलते हैं एरिथ्रो, एरिथ्रो
एरिथ्रोक्रूओरिन और दूसरा ग्रीन कलर का दैट इज क्लोरो क्रूओरिन, क्रूओरिन। तो एरिथ्रोक्रूओरिन, क्लोरोक्रूओरिन ये एनिलिडा में होता है, हीमोसियानिन सेफालोपोडा में होता है, एंड हीमोग्लोबिन तो हम सब में है, कोडाटा में होता है। तो वी डिस्कस अबाउट डाइजेस्टिव रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी, नेक्स्ट सिस्टम बोलेंगे बेटा क्या है, नेक्स्ट सिस्टम इज नंबर 4 एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो बॉडी में जितना भी वेस्ट होगा उसको एक्सक्रेशन करना है, तो नेक्स्ट इज एक्सक्रेटरी सिस्टम। ठीक है जी, तो एक्सक्रेटरी सिस्टम में अगेन वही चीज, पी सी सी पी। पहले में ऐसा है, ये मेरा पैटर्न है पढ़ाने का, पी सी सी पी। बोलो, पी सी सी कोई स्पेशल एक्सक्रेटरी ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम नहीं है, तो कैसे एक्सक्रेशन करेंगे, थ्रू द बॉडी सरफेस, थ्रू द बॉडी सरफेस। बाकी कुछ स्पेशल अगर स्ट्रक्चर है तो फाइलम पढ़ते टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो प्लाटीहेलमिंथेस में, इसमें भी कोई पर्टिकुलर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम तो नहीं है, इसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं फ्लेम सेल्स। बोलो क्या बोलेंगे, तो रिमेंबर दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर यू, प्लाटीहेलमिंथेस में फ्लेम सेल्स होते हैं, फ्लेम सेल्स होते हैं, एंड दीज फ्लेम सेल्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोटोनेफ्रिडिया, प्रोटोनेफ्रिडिया। बोलो याद रहेगा। बाकी आगे मैं बात करता हूँ, एक्सक्रेटरी सिस्टम इन अदर फाइलम्स लाइक इफ आई टॉक अबाउट आस्केलमिंथेस। बच्चों आस्केलमिंथेस को हम लोग नेमाटोडा भी बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर आपने तो नेमाटोडा पढ़ाया ही नहीं, अरे आस्केलमिंथेस का ही दूसरा नाम नेमाटोडा होता है। तो आस्केलमिंथेस में एक्सक्रेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है, दैट इज उसमें भी एक स्पेशल वेराइटी का सेल है, दैट इज कॉल्ड एज शेप्ड रिनेट सेल्स, रिनेट। तो आपको अगर कोई पूछे एच शेप्ड रिनेल सेल्स आर प्रेजेंट इन आस्केलमिंथेस, ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं, ये चीज जो है रिनेट सेल एनसीईआरटी में नहीं है। नेक्स्ट अगर फाइलम की बात करूं, एनेलिडा, एनेलिडा में किडनी लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं नेफ्रिडिया। क्या बोलेंगे, नेफ्रिडिया। बोलो दोनों में डिफरेंस, एनेलिडा में नेफ्रिडिया, बट प्लाटीहेलमिंथेस में हमने लिखा था प्रोटोनेफ्रिडिया, है ना, दोनों में डिफरेंस आपको आना चाहिए। नेक्स्ट में आपको बताऊंगा दूसरा फाइलम है एनेलिडा के बाद, बोलो आर्थ्रोपोडा। सी आर्थ्रोपोडा का एक्सक्रेटरी ऑर्गन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें दो तरह का ऑर्गन पाया जाता है, मेजोरिटी में लाइक कॉकरोच में पाया जाता है मालपीजियन ट्यूबल। तो उसको मैं लेड में देख रहा लिख रहा हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट, मालपीजियन ट्यूबल्स। तो दिस मालपीजियन ट्यूबल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सक्रेटरी ऑर्गन है, इसको स्टार मार करेंगे, एंड दीज आर प्रेजेंट इन कॉकरोच। तो जब आपको सर कॉकरोच पढ़ाएंगे तो कॉकरोच में आपको ये वहां पर पढ़ाएंगे कि एक्सक्रेटरी ऑर्गन वहां पर मालपीजियन ट्यूबल्स होता है। और कुछ अदर अर्थ्रोपोड्स में कुछ स्पेशल टाइप के ऑर्गन्स होता है एक्सक्रीशन के लिए, तो उस ऑर्गन का नाम है एंटेनल ग्लैंड, या फिर ग्रीन ग्लैंड भी बोलते हैं। ओ माय गॉड, कैसा नाम है, ध्यान रखना, ग्रील ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड या एंटेनल ग्लैंड, दीज आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, ठीक है जी, इन आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट आपका फाइलम आता है मोलस्का। मोलस्का में एक्सक्रेशन के लिए यहाँ एक स्पेशल टाइप का ऑर्गन है, एंड दैट ऑर्गन ये भी शायद एनसीईआरटी में नहीं है, आपको मैं बता रहा हूं, दिस इज कॉल्ड ऑर्गन ऑफ बोजानस, ऑर्गन ऑफ बोजानस। देखो वैसे बायोलॉजी में बहुत सारे टर्म आएंगे, घबराना नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसके लिए हम लोग आपको ट्रिक बताएंगे और आपका याद हो जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से पढ़िए और धीरे धीरे उसको रिवाइज करते रहिए, जितना रिविजन करेंगे ना उतना आपका जो मेमोरी बढ़ेगा, ठीक है, और आपको याद रहेगा। ऑर्गन ऑफ बोजानस ऑल्सो नोन एज केबर्स ऑर्गन, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये डिस्कवर किया था कि हाँ भी ऐसा ऑर्गन है तो मेरे नाम से रख दो, केबर ने बोला मेरे नाम से रख दो केबर्स ऑर्गन, ऑर्गन बोजानस उसने बोला ऑर्गन ऑफ बोजानस रख दो, तो उसको ऑर्गन ऑफ बोजानस भी बोलते हैं, केबर्स ऑर्गन भी बोलते हैं, ठीक है जी, ठीक है। नेक्स्ट अगर इकाइनोडर्माटा की बात करूं, तो सर इकाइनोडर्माटा इस मामले में थोड़ा पीछे रह जाता है, इसमें कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है, यहाँ पर एक्सक्रेशन सिंपली थ्रू बॉडी सरफेस होता है, सिंपली थ्रू बॉडी सरफेस होगा, ठीक है जी।
बाकी जो डेवलप्ड वाले ऑर्गेनिज्म हैं यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है बोलो, हमारे अंदर क्या प्रेजेंट है? किडनी, और किडनी के अंदर जो एक्सक्रेटरी यूनिट, उसको क्या बोलते हैं? नेफ्रोन। ठीक है जी, नेफ्रोन बोलेंगे, किडनी नेफ्रोन, ये डेवलप्ड फाइलम्स में ही होगा। उसके बाद ये सारे डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रेटरी, ये सबको कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए? नर्वस सिस्टम। तो फिफ्थ सिस्टम इज नर्वस सिस्टम, फिफ्थ इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम बोलो अगेन, क्या लिखूंगा बोलो, मेरा पैटर्न क्या है? पहले मैं लिखूंगा पी सी सी पी, पोरीफेरा सिलेंटेरेटा टीनोफोरा एंड प्लाटीहेलमिंथेस। सर पोरीफेरा, इसमें कोई भी न्यूरॉन नहीं होता है। सिलेंटेरेटा एंड टीनोफोरा, जैसे सिलेंटेरेटा का एग्जांपल है हाइड्रा, हाइड्रा तो हाइड्रा में न्यूरॉन तो है, लेकिन अच्छा मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये नर्वस सिस्टम में पढ़ेंगे। नॉर्मली जो न्यूरॉन है उसमें, जैसे हम लोगों का न्यूरॉन है, ऊपर डेंड्राइट्स हैं और नीचे एक्सॉन है, तो इसको बोलते हैं पोलार, पोलार न्यूरॉन्स बोल सकते हैं। ठीक है, उसमें एक्सॉन है, डेंड्राइट्स है, लेकिन जिनमें सिर्फ और सिर्फ इस तरह का बिंदु जैसा न्यूरॉन है, इसमें ना तो एक्सॉन ना ही डेंड्रॉन, इस तरह के न्यूरॉन को बोलते हैं ए पोलार। ठीक है, इसका कोई पोलारिटी नहीं है, कोई पर्टिकुलर डिरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो स्टीनोफोरा एंड सिलेंटेरेटा, ये दोनों में होगा ए पोलार न्यूरोन। प्लाटी हेलमिंथेस की बात करें तो यहां पर लेडर लाइक पैटर्न में न्यूरोन होता है। जस्ट रिमेम्बर, एनसीआरटी में नहीं है, ए पोलार न्यूरोन एनसीआरटी में है बच्चों। ठीक है, इसमें आप ये लिख सकते हैं कि हाइड्रा इज द एग्जाम्पल। लेडर लाइक न्यूरोन इज सीन इन प्लाटी हेलमिंथेस, लेडर लाइक न्यूरोन। बोलो आगे कौन सा फाइलम लिखूंगा नर्वस सिस्टम में, क्या क्या बचा बोलो? पहला जो है आस्केलिमिंथेस। आस्केलिमिंथेस में सिंपल सा, अच्छा हमारे अंदर क्या है? ब्रेन है, हमारे अंदर स्पाइनल कॉर्ड है और बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। तो ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, बहुत सारे न्यूरॉन है, लेकिन ये आस्केलिमिंथेस में वो धीरे 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 डेवलप होने की कोशिश हो रही है। तो आस्केलिमिंथेस में क्या होता है? नर्व रिंग होगा, नर्व रिंग, एंड यहाँ पर एक स्पाइनल कॉर्ड तो नहीं होता, इसमें नर्व कॉर्ड होता है। क्या होता है? नर्व कॉर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड नेक्स्ट फाइलम की बात करूंगा आस्केलिमिंथेस के बाद, दैट इज एनेलिडा। एनेलिडा के बाद क्या आता है? आर्थ्रोपोडा। एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा में यहां पर ये भी कोशिश कर रहे हैं, तो यहां पर भी एक नर्व रिंग होगा एंड यहां पर भी एक नर्व कॉर्ड होगा, तो दोनों में लगभग सिमिलर है। ठीक है, लेकिन यहां पर बच्चों ध्यान रखना, यहां पर जो नर्व कॉर्ड होता है ना, बोलो हमारे अंदर भी एक कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड, बट हमारा स्पाइनल कॉर्ड एक है या दो है? सर एक है, सिंगल स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारा होलो है या सोलिड है? चलो आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी के लिए आपको इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ सिंगल होता है एंड डोर्साली होता है, पीछे होता है। बट ये सब में, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये सब में जो नर्व कॉर्ड होगा, दिस नर्व कॉर्ड इज वेंट्रल, सामने होता है, सिंगल होता है। तो दिस इज, सॉरी, सिंगल तो हमारे अंदर होता है बच्चों, यहाँ पर डबल होता है, तो याद रखेंगे, मैंने लिख करके काटा, यानी कि सर हमारे अंदर से उल्टा ह्यूमन बींग्स में या कोडेट्स में ये कैसा होता है? डोर्सल सिंगल, लेकिन यहाँ पर वेंट्रल है एंड डबल, दो नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट हैं, एंड दीज नर्व कॉर्ड्स आर गैंग्लियोनेटेड। बोलो क्लियर है? आगे नेक्स्ट फाइलम की बात करूंगा, बोलो आर्थ्रोपोडा के बाद कौन सा? मोलस्का। देखो यहाँ पर ये फाइलम का नाम बार 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 रिपीट हो रहा है, इसीलिए पहले मॉड्यूल में आपको मैं बोला था कि पहले हम लोग ये सारे फाइलम का नाम याद रखेंगे। ठीक है, तो मोलस्का की अगर मैं बात करूं, तो मोलस्का में होता है गैंग्लिया, और ये गैंग्लिया पेयर्ड होते हैं। सर गैंग्लिया क्या है? चलो अभी बस आप याद रख लो, ठीक है ना, अभी बस आप याद रख लो गैंग्लिया क्या है। नर्वस सिस्टम में आपको थोड़ा सा बताएंगे व्हाट इज गैंग्लिया, फिर भी आपको डिटेल में नहीं बताएंगे वहां भी। ठीक है, तो जस्ट यू हैव टू नो। तो बायोलॉजी में ऐसे बहुत सारे चीज हैं जहां पर आपको कंसेप्ट समझना है, और कुछ तो ऐसे हैं जो आपको सीधा सा याद रखना है, तो दोनों को बैलेंस करके चलना है। बायोलॉजी इज नॉट ओनली अबाउट रिमेम्बरिंग और नॉट ओनली अबाउट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, और याद भी रखेंगे, साथ में कोरिलेट भी करते जाएंगे। तो मोलस्का में बोलो क्या है? मोलस्का में होता है पेयर्ड गैंग्लिया। सर गैंग्लिया तो है, और ये गैंग्लिया पेयर्ड होते हैं, यानी दो 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 इस तरह से पेयर्ड होंगी।
दो उनके ब्रेन के पास, ब्रेन तो नहीं, उनको सर के पास, हेड के पास होंगे, जो कि ब्रेन जैसा काम करेंगे, तो उनको बोलते हैं सेरेब्राल गैंग्लिया। क्या बोलेंगे? ऊपर दो हैं, सेरेब्राल गैंग्लिया। सबसे नीचे जो पेयर्ड गैंग्लिया है, ये फुट में, उनके फुट लाइक स्ट्रक्चर जो है, फुट है वहां पर प्रेजेंट होता है, और फुट के लिए वर्ड यूज होता है बेटा पेडल, तो उनको बोलते हैं पेडल गैंग्लिया। पेडल यानी फुट, या फिर फुट गैंग्लिया बोल दो, या पेडल गैंग्लिया बोल दो, गैंग्लिया। और बीच में जो है उनके कुछ ऑर्गेन्स में प्रेजेंट होता है, ऑर्गेन्स को बोलते हैं विसेरा, इसीलिए ये जो बीच में ऑर्गेन्स में उनका गैंग्लिया है पेयर्ड गैंग्लिया, उसको बोलते हैं विसेराल गैंग्लिया, विसेराल गैंग्लिया। चलो इसको मैं ना, आप ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हो, इंफॉर्मेशन के लिए आप लिख लो बस, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। मोलस्का के बाद आता है इकाइनोडर्माटा, इकाइनोडर्माटा। तो इकाइनोडर्माटा की अगर मैं बात करूं, इकाइनोडर्माटा अगेन बाद का तो फाइलम है, लेकिन इस यहाँ भी थोड़ा सा पीछे रह गया, यहाँ कोई भी पर्टिकुलर नर्वस सिस्टम नहीं होता, पर्टिकुलर न्यूरॉन वगैरह नहीं होता। नेक्स्ट में बात करूंगा इकाइनोडर्माटा के बाद जो लास्ट है कोडाटा। बोलो बच्चों, कोडाटा, हम लोग कोडेट्स हैं, कोडेट्स में तो नर्वस सिस्टम अच्छा खासा डेवलप होता है, वहां पर न्यूरॉन्स हैं बॉडी में बहुत सारे, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, और ये हमारे अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है ये सिंगल होता है एंड डोर्सल होता है, जबकि हमने देखा यहाँ पर जो नर्व कॉर्ड था विच वॉज सिमिलर टू स्पाइनल कॉर्ड बट दिस वॉज वेंट्रल एंड दिस वॉज डबल। क्लियर? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलिए, सो यहाँ पर हमने सारे ऑर्गन सिस्टम को एक जगह लिखा। नेक्स्ट मॉड्यूल से हम लोग एक एक करके फाइलम को डिस्कस करेंगे, और वहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता जाऊंगा वो स्टार मार करेंगे, और वहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। यहाँ से एनिमल किंगडम से एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आता, बाहर से कभी क्वेश्चन नहीं आता, जितना एनसीईआरटी में है या कुछ ऐसा पॉइंट है जो बार 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 रिपीट होता है वो हम लोग पढ़ते जाएंगे और मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस मॉड्यूल, थैंक यू।